आगे बढ़ते हैं, बात अब मध्य प्रदेश की, जहां बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक संभावित दावेदारों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। लोकसभा समन्वयों की बैठकों में ये रणनीति तय की गई है। तो बड़े चेहरों को उतार कर गुटबाजी खत्म करने की कोशिश पार्टी की ओर से की जाएगी। बीजेपी को उसी की रणनीति से जवाब देने का प्रयास, क्योंकि बीजेपी, हमने उसे देखा है कि किस तरह से उसने केंद्र के नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा। लेकिन कांग्रेस भी अब बीजेपी की राह पर चलती आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लोकसभा समन्वयकों की बैठक में रणनीति बनी और इस बार हो सकता है कि आपको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में दिखाई दे लोकसभा के। कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है ये भी जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको बता देते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सरीखे जो दिग्गज नेता है वो कहां से मैदान में उतर सकते हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कमलनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा उनके बेटे का। और दिग्विजय सिंह भोपाल से एक बार फिर से पार्टी उन पर दाव खेल सकते हैं, हालांकि पिछली बार भी वो यहां से लड़े थे लेकिन हार गए थे। कांतिलाल भूरिया रतलाम से पार्टी इन पर दाव फिर से खेल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, अरुण यादव खंडवा सीट से आपको फिर से मैदान में नजर आ सकते हैं। और नर्मदापुरम की अगर बात करें तो सुरेश पचौरी पर पार्टी दाव खेल सकती है, उन्हें यहां से मैदान में उतारा जा सकता है। अगला चेहरा कौन है, अजय सिंह रीवा या सीधी, इन दोनों में से किसी एक सीट से आपको अजय सिंह राहुल भैया मैदान में नजर आ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो आपको हमने बताया, लेकिन इसके साथ ही इस बार 2024 का यह लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला। और आपको बता दें कि 31 जनवरी तक नाम फाइनल हो सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, काफी दिलचस्प होने वाला है लोकसभा का ये चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जो रणनीति अपनाई उसी से सीख लेते हुए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उसे अपनाने की तैयारी कर रही है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा था, उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर पैदा हुआ था और यही कारण है कि बंपर जीत भी बीजेपी को मिली है। और अब यही रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने की तैयारी, खासतौर से अलग अलग जो बड़ी लोकसभा सीटें हैं उनमें, खासतौर से जिस तरीके से अभी नाम भी बताया गया कि सुरेश पचौरी हो, अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, ये तमाम जो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश से कहे जाते हैं, उनको अपनी अपनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, ताकि आसपास के क्षेत्र में जो उनका प्रभाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होता है, वो जी जान के साथ अपने नेता को चुनाव जिताने में लग जाता है, जिससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जरूर अपनी पार्टी का बढ़ता है। और यही कारण है कि कांग्रेस में जिस तरीके से लोकसभा समन्वयकों की बैठक हो रही है, उसमें ये बात उठाई जा रही है कि इन दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जाना चाहिए, ताकि इनका जो समर्थन है, इनका जो जनाधार है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिले और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस अपनी जो सीटें हैं वो जीत पा जाए। शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।